नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हमारी मंथली क्लोजिंग हो चुकी है और हमारा वीकली क्लोजिंग भी हो चुका है, तो ये दोनों क्लोजिंग हमारी हो चुकी हैं और इन्हीं के साथ साथ कुछ स्टॉक्स ने मंथली ब्रेकआउट दिया है, कुछ स्टॉक्स ने वीकली ब्रेकआउट दिया है। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो के अंदर वो स्टॉक्स आपके साथ शेयर करेंगे जिन्होंने वीकली में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है और इतना फास्ट मोमेंटम उस स्टॉक्स में आने वाला है, उन स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा जो कि एक बेहतरीन रिटर्न हमारे पोर्टफोलियो में बन सकता है। तो आज उन दोनों स्टॉक्स का मैं आपके साथ एनालिसिस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं निफ्टी का छोटा सा एनालिसिस आपके साथ कर लेता हूँ। देखिए, हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रॉ कर रखी है जो कि काफ़ी पहले भी हमने ड्रॉ कर रखी है, हमारे पुराने जितने वीडियोस हैं उनमें भी हमने ये लाइंस को ड्रॉ कर रखा है और ये क्लियरली हम लोगों ने बता रखा है कि निफ्टी 24,000 के लेवल को टच कर चुका है। 23,600 के लेवल को इसने जब ब्रेकआउट दिया था तो हमने ये मान के, हम लोगों ने माना था कि अभी निफ्टी के अंदर नियर बाई 24,000 का लेवल अपन को देख सकते हैं, प्लस माइनस 1-2% ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन निफ्टी का जो आरएसआई है वो 80 हो चुका है निफ्टी का जो आरएसआई है वो 80 हो चुका है और जब भी किसी इंडेक्स का या स्टॉक्स का निफ्टी आरएसआई 80 हो जाता है तो फिर उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं निफ्टी में थोड़े से करेक्शन मान के चलता हूँ कि निफ्टी में कहीं कहीं ना कहीं हमें कुछ करेक्शंस देखने को मिले आने वाले दिनों में, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ नया ऐड करेंगे, अपनी कुछ नई पोजीशंस को ऐड करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं निफ्टी से दूर रहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि जो लेवल्स हैं निफ्टी के वो भी काफ़ी बुलिश हैं, ऑल टाइम हाई आ चुका है, 24,000 का लेवल अपन ने देख लिया है। लेकिन एक बार थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा करेक्शन हो जाए, उसके बाद हेल्दी करेक्शन होने के बाद मोमेंटम आए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये था एक छोटा सा निफ्टी का एनालिसिस। अब मैं सीधे लिए चलता हूँ आपको मेरे उन स्टॉक्स में जो हमें देंगे आने वाले दिनों में एक बेहतरीन रिटर्न। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करिए। ये जो वीडियो आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपका सामने चल रहा है, लाइक का बटन दबा दीजिए। उसके बाद आप इसको सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके इसको शेयर करिए। दूसरा ये है आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज वीडियो है। मेरे काफ़ी सारे पुराने वीडियोस हैं, उनमें मैंने जो स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए हैं वो स्टॉक्स कहीं ना कहीं 15-20-30% का मूवमेंट दे चुके हैं। तो ये मत मानिए, आँखें बंद करके मेरे पर बिलीव मत करिए आप कि ये चैनल पे बताए हुए स्टॉक्स हैं वो कन्फर्मली ऊपर जाते ही जाते हैं। हो सकता है मेरी एनालिसिस कहीं ना कहीं गलत हो, तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही पूछ के अपने स्टॉक्स हैं वो बाई करिएगा। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं सीधा मुद्दे पर कि आज के दिन मैं आपको दो स्टॉक्स कौन से बताना जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो मेरा स्टॉक रहेगा वो वाला, ये वाला स्टॉक रहेगा, वो वाला स्टॉक रहेगा। कौन सा वाला? टाइड वाटर। कौन सा स्टॉक रहेंगे? टाइड वाटर का मेरा स्टॉक है वो आपके साथ रहेगा। इस स्टॉक्स में मंथली चार्ट आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, मंथली चार्ट कुछ इस तरीके से मूवमेंट दे रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और डाउन फॉल देने के बाद स्टॉक्स ने एक वापस, ये मतलब एक रैली दिखाई थी 750 रुपये से सीधा 3,500 रुपये का, और अब मंथली चार्ट पे ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है। मंथली चार्ट पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है तो मंथली चार्ट पे कुछ खास लेवल देखने को नहीं मिले, फिर भी एक लेवल को मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ जो कि आपके सामने ऑल टाइम हाई का लेवल है, जो कि आपके सामने ऑल टाइम हाई का लेवल है, वो है 3,688 रुपये का। और आप ये देखिए, स्ट्रांगली इस के अंदर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है और अभी तक ये गैप फिल करना बाकी है। तो मंथली चार्ट पे सिर्फ और सिर्फ हमें एक लेवल मिला है, वो भी ऑल टाइम हाई का। अब हम चलते हैं सीधे वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट के हिसाब से देखिए, कुछ इस तरीके का चार्ट बनेगा वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट इस तरीके का बन रहा है तो मैं इसके अंदर अपने जो लेवल्स हैं वो मार्क करता हूँ आपके सामने कि मेरे लेवल्स इस स्टॉक्स में क्या रहेंगे। तो ये देखिए, मैंने लाइंस को आपके सामने ड्रॉ कर दी है और ये वाला मैं कलर्स चूज कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ।
अब ये एक लेवल बना है वो है 1900 लगभग 2000 का लेवल बना है, क्योंकि ब्रेकआउट आया वो अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल के ऊपर आया है। लेकिन यहाँ से एक डिमांड जोन और मेरे को दिखाई दे रहा है वो ये वाला, तो लगभग 100 रुपये का डिमांड जोन है। और इस डिमांड जोन के साथ जो ब्रेकआउट कैंडल है वो भी काफ़ी स्ट्रांग ब्रेकआउट कैंडल है। इसका देखिए लेवल, देखिए इसका, देखिए मज़ा, देखिए ब्रेकआउट कैंडल का बनने का तरीका, देखिए कितना शार्प। ऊपर से कहीं कोई बाइंग सेलिंग नहीं है, नीचे से पुल बैक किया और सीधा ऊपर। तो ये एक देखिए डायरेक्ट हिट की तरह से है। और अगर वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो वॉल्यूम भी देखिए काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम इसके अंदर अपन को देखने को मिला है, काफ़ी बेहतरीन वॉल्यूम इसके अंदर अपन को देखने को मिला है। तो अपने पास दो ऑप्शन क्लियर हो गए कि पहला तो अपना ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, दूसरा डिमांड जोन के ऊपर ब्रेकआउट है वो कंफर्म हो गया, तीसरा हमारा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है ये कंफर्म हो गया। अब जो नेक्स्ट एक और कंडीशन है वो है कि इसका 52 वीक हाई है उसका भी ब्रेकआउट हमें मिल चुका है, क्योंकि स्टॉक्स ने जब ये वाला लेवल बन दिया था हमें 2100 का, तो ये 2021 में दिया था, और आज 2024 में लगभग 2 साल बाद ये लेवल हमें दोबारा देखने को मिला है। तो अप्रॉक्सीमेट 52 वीक हाई का ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। अब देखिए एक और चीज़ इसमें हुई है वो वाला मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न वीकली चार्ट पे भी बना रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न वीकली चार्ट भी बना रहा है। तो वीकली चार्ट पे भी हमें ये मान के चलेंगे कि इस पैटर्न का भी ब्रेकआउट हमें मिला है, तो काफ़ी सुंदर ब्रेकआउट मिला है, काफ़ी हैंडसम ब्रेकआउट मिला है, काफ़ी बढ़िया पैटर्न बना है, चार्ट पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, हर एक चीज़ इस स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बेहतरीन है। और वैसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है जैसा लास्ट टाइम पारस में बना था, पारस था, पारस डिफेंस था, उसके अंदर भी ये एग्जैक्ट सेम बना था। ऊपर की तरफ से कहीं कोई रुकावट नहीं है, सीधा ऊपर, अगर हिट हुआ तो सीधा ऊपर, और इस स्टॉक्स में मोमेंटम आने वाला है। तो मैं इसी स्टॉक्स को अगर बाई करता हूँ तो मेरे जो बाइंग लेवल उसमें कहाँ रहेंगे, और उसके बाद मेरा एग्जिट लेवल कहाँ रहेगा, और मेरे टारगेट्स कहाँ रहेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले मैं इसमें स्टॉक्स के अंदर अपना बाइंग लेवल फाइंड करता हूँ कि तो ये जो जोन बना हुआ है 2000 से 2100 का जो जोन बना हुआ है, इस जोन के अंदर अगर मेरी एंट्री मिड में हो जाती है, यानी कि 2050 के लेवल के नियर बाई हो जाती है, और लकीली 2000 के पास भी अगर हो जाती है तो द बेस्ट है, द बेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी जो एंट्री हो गई नियर इस डिमांड जोन के अंदर हो गई, 2100 से 2050 का लेवल, और उसके बाद एक नीचे का लेवल लगभग 2000 का लेवल, तो ये मेरी एक एंट्री हो गई। अब इस स्टॉक्स में मैं करता हूँ अपना एसएल, तो एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा मैं, एसएल बिल्कुल छोटा सा रख रहा हूँ आपके सामने, कि ये जो लेवल है मेरा 1948 1950 का जो लेवल है, मैं ब्रेकआउट कैंडल का लो ही इसका स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, क्योंकि फिर तो मेरा जो जो नीचे का जो लेवल वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो मैं इसी का एक लेवल रख रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, अल्टीमेटली मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा 1950 का। तो 100 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हो गया, काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस होता है, परसेंटेज टर्म में कुछ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली अगर उसमें कुछ बैड न्यूज़ आ जाती है या फिर किसी रीजन से गिर जाता है तो एक अलग बातें हैं, लेकिन अपना स्टॉप लॉस यही रहेगा। और उसके बाद टारगेट हमें ऑल टाइम हाई यहाँ पे दिखा ही दे रहा है आपके सामने, तो वो हमारा टारगेट रहेगा। टारगेट की मैं बात करूँ तो मेरा जो टारगेट का लेवल है वो 3688, यानी कि 3650 प्लस का अगर आपको मोमेंटम मिल जाता है तो फिर द बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये मान के चलिए वारे न्यारे हो जाएंगे। और इस स्टॉक्स में मैं मान के चलूँ कि आपकी एंट्री यहाँ पे हुई है 2100 के लेवल पे हुई है, और उसके बाद आपका रिटर्न ये वाला आपका रिटर्न 74% का रिटर्न, बेहतरीन रिटर्न। अगर आपको ऑल टाइम टारगेट मिलता है तो 74% का रिटर्न है, वो बेहतरीन रिटर्न हो जाएगा। तो आज का मेरा ये फर्स्ट स्टॉक है टाइड वाटर। अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। आज का मेरा दूसरा स्टॉक है वो मेरा है, एक सेकेंड मुझे ये खोलना पड़ेगा, ये वाला प्रीवी स्पेशलिटी आज का मेरा सेकेंड स्टॉक है। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने आपको दिखाया इसका मंथली चार्ट, 2016 में ये एंटर हुआ था लगभग 2016 में, उसके बाद आपको देखने को मिला था ब्रेकआउट 600 रुपये पे,
₹600 का ब्रेकआउट देने के बाद आपको सीधा लगभग ₹2200 का टारगेट दिया और उसके बाद अप डाउन्स काफ़ी हुए। तो ये देखिए यहाँ पे एक लेवल अपन को आइडेंटिफाई करने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कौन सा जो लेवल है स्विंग हाई का लेवल है, लगभग ₹1365। लगभग ₹1365 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद एक ये ऑल टाइम हाई देख ही रहे हो आप, जैसे कि ₹2250 का ऑल टाइम हाई है। और एक ये लेवल और मिल रहा है छोटा सा, जो मैं इसको डॉट डॉट के साथ इसको मार्क करूँगा। तो ये तीन लेवल मैंने लिख लिए। पहला जो मेरा लेवल है 1350, जिसमें ब्रेकआउट कैंडल मिला है, फिर मिला है 1745, और ऑल टाइम हाई का मेरे को जो मैं लेवल मिला वो मैंने मार्क कर दिया आपके सामने। लेकिन मंथली चार्ट पे भी एंट्री है और नीचे के लेवल पे हमें देखना पड़ेगा। तो मंथली चार्ट के हिसाब से इसमें एंट्री है, तो मैं इस स्टॉक्स को मंथली चार्ट पे रिव्यू ना करके इसको वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा तो वो मेरे लिए द बेस्ट रहेगा। लेवल्स मैं एक बार फिर से आपके सामने थोड़ा सा करेक्ट करके लिख देता हूँ, एग्जैक्ट वही लेवल रहेंगे मेरे, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। लेकिन ये स्टॉक्स में थोड़ा सा इस लाइन्स को मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, ये वाला लाइन्स को मैंने इधर ड्रॉ कर दिया। तो ये मान के चलिए अब कि ये एक मेरा परफेक्ट लेवल हो गया, और इस लेवल के ऊपर मुझे क्लोजिंग मिलनी थी, वो क्लोजिंग आ चुकी है, एक परफेक्टली क्लोजिंग आ चुकी है। और परफेक्टली क्लोजिंग आने के बाद इसी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई दे रही है, और वो अपॉर्चुनिटी भी एक ये मान के चलिए अच्छा भला अच्छा बहुत ही नाइसली हमें एक रिटर्न दे के जाएगा। थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करता हूँ मैं, तो ये देखिए एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें मिला है, रेंज का ब्रेकआउट मिला है, 52 वी हाई का ब्रेकआउट मिला है। तो अब इसी स्टॉक्स के अंदर मेरी जो एंट्री रहेगी वो एंट्री कहाँ पे रहेगी, लगभग लगभग मेरी जो इसी स्टॉक्स में एंट्री है वो 1400 के लेवल को अगर मैं टच करता हूँ, मुझे 1400 के लेवल पे अगर एंट्री मिलती है तो मेरे लिए द बेस्ट है। 1400 का लेवल अगर इसी स्टॉक्स में मुझे मिलता है तो मेरे लिए द बेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद इमिडिएटली मुझे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो ये ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है, ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है उसको मैं रेड कलर से मार्क करता हूँ। तो ये वाला लो मैंने लगा दिया है कि ₹1250 का मेरे को स्टॉप लॉस इसमें मिला है। तो 1450 का स्टॉप लॉस, ₹1400 से एंट्री है और ₹1250 का स्टॉप लॉस मैंने इसमें डाला है। और उसके बाद फर्स्ट टारगेट है वो आपको दिखाई दे रहा है अप्रोक्सीमेटली ₹1750 का। और उसके बाद सेकंड टारगेट हमें ये एक दिखाई दे रहा है, सेकंड टारगेट ये वाला, ये एक यहाँ पे आके डिमांड जोन बन जाता है, तो मैं इसको थोड़ा सा कंसिडर करूँगा। तो डिमांड जोन लगभग लगभग 2000 का लेवल है। तो ये मैं मान के चलिए कि 1400 के लेवल पे एंट्री होने के बाद 1750 का पहला लेवल और फाइनल टारगेट 2000 का लेवल आ जाता है, तो मेरे लिए द बेस्ट है। मैं इसमें से पार्सली बुक प्रॉफिट करके अपना सा एग्जिट कर लूँगा। तो पहले टारगेट के लिए मैं बात करूँ तो पहला टारगेट मुझे मिला है 25% का, और सेकंड टारगेट मुझे मिला है लगभग 45% का। तो टोटल मिला के इस स्टॉक्स में 45% की उम्मीद करके चलता हूँ कि सॉरी 57% की उम्मीद करके चलता हूँ कि इस स्टॉक्स में अपना रिटर्न वो हैंडसम रिटर्न अपनों को देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो ये था मेरा चार्ट करने का आज का एनालिसिस, दो स्टॉक्स मैंने बताए हैं। अगर मेरी स्टडी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय।